हेलो दोस्तों, टाइटन सीजन 2 का फिनाले रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अवेटेड एपिसोड था टाइटन्स का। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस एपिसोड का, क्योंकि इस सीज़न की शुरुआत से मैं बहुत एक्साइटेड था डिक को नाइटविंग के सूट में देखूं, जिस चीज़ के लिए डायरेक्टर और राइटर्स ने हम सभी फैंस को बहुत वेट करवाया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक टाइटन सीज़न 2 का फिनाले नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मर्सी ग्रेव्स का प्लान दो फेजेस में है एंड उसका पूरा प्लान ये है कि वो सुपर बॉय को कैडमस का सुपर सोल्जर प्रमोट करके सुपर बॉय की बोली लगाकर उसे बेच सके, जिसके लिए वो अपने सभी क्लाइंट्स को सुपर बॉय के पावर्स का डेमो दिखाती है। दूसरी तरफ कोरी, डैना, डव और रेचल सभी सुपर बॉय और रीस बॉय को बचाने कैडमस लैब्स की तरफ आते हैं। जाने से पहले कोरी सभी को बताती है कि वो अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रही है। तभी रास्ते में उन्हें डेथ स्ट्रोक अटैक कर देता है और फिर हमें नाइटविंग की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ड्रामेटिक होती है। और एक फैक्ट की बात बताऊं तो डिक ग्रेसन को ड्रामेटिक एंट्री करना पसंद है। इस बार डिक नाइटविंग बनकर डेथस्ट्रोक को टक्कर की फाइट देता है और फाइट में नाइटविंग का साथ देने रेवेजर यानी कि रोज विल्सन भी वहां आ जाती है। उन लोगों की फ़ाइट ज़्यादा देर तक नहीं होती और रेवेजर की तलवार से डेथस्ट्रोक की डेथ हो जाती है। जेरिको खुद को डेथस्ट्रोक की बॉडी से निकालकर रेवेजर के बॉडी में ले जाता है। दोस्तों, डेथस्ट्रोक और नाइटविंग की फ़ाइट में हमें एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिल गई, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट लगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ मर्सी ग्रेव सुपर बॉय पर अपना ऑक्शन शुरू करने के लिए बीस्ट बॉय को सिटी के अम्यूजमेंट पार्क में भेजती है, ताकि वो टाइगर में ट्रांसफॉर्म होके पार्क में दहशत फैला सके, ताकि वो सुपर बॉय और टाइगर की फाइट दिखाकर सुपर बॉय का रेट बढ़ा सके। टाइगर और सुपर बॉय की फाइट शुरू होने के कुछ देर बाद ही टाइटन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वंडर गर्ल सुपर बॉय से बात करने की कोशिश करती है, पर मर्सी ग्रेव सुपर बॉय को उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद वंडर गर्ल और सुपर बॉय की फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ रेचल अपने पावर्स का यूज़ करके बीस्ट बॉय को ठीक कर देती है। फाइट के दौरान सुपर बॉय और वंडर गर्ल को एक पोल पर फेंक देता है। तभी रेचल और डिक वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वंडर गर्ल अपने रोप से और रेचल अपने पावर से सुपर बॉय को पकड़ लेती है और रेचल डिक को अपने पावर से सुपर बॉय के माइंड में भेज देती है, जहां डिक सुपर बॉय से बात करता है और उसे मर्सी ग्रेव्स के माइंड गेम से फ्री कर देता है, जिसके बाद ब्रूस वेन मर्सी ग्रेव्स के सारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है और ऑक्शन को भी क्लोज कर देता है। सुपर बॉय और कोरी मर्सी ग्रेव्स को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ की सारी पब्लिक टाइटन्स के लिए क्लैपिंग करने लगती है। तभी जिस पोल पर सुपर बॉय ने वंडर गर्ल को फेंका था वो गिरने लगता है, जिसके सामने डव एक छोटी बच्ची को उसकी डॉल देने गई होती है। तो उन्हें बचाने के लिए वंडर गर्ल गिरते हुए पोल को पकड़ लेती है, जिसके कारण उसे बिजली का झटका लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये एक और नेगेटिव पॉइंट लगी मुझे, क्योंकि राइटर्स को अगर वंडर गर्ल की डेथ दिखानी थी तो वो सुपर बॉय के साथ फाइट में दिखा सकते थे, और गिरते हुए पोल को पकड़ने के लिए सुपर बॉय तो था ही। खैर, वंडर गर्ल फ्यूनरल के लिए टाइटन्स थेमेस्करा के लोगों को उसकी बॉडी दे देते हैं। रेचल डिक से कहती है कि वो थेमेस्करा जाना चाहती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो अपने पावर्स का यूज़ करके वंडर गर्ल को फिर से ज़िंदा कर सकती है। डिक उसे जाने दे देता है और ये सब कुछ थोड़ी दूर से जेसन टॉर देख रहा होता है। एपिसोड के एंड में हमें ब्लैक फायर दिखती है, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि सीजन 3 की मेन विलन
ब्लैक फायर होगी, और हो सकता है कि सीज़न 3 में हमें रेड हुड भी देखने को मिले, क्योंकि इस सीज़न में हमें जेसन टॉड को रेड हुड के कैरेक्टर के तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे सेटअप देखने को मिले, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।